हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं चना जोर गरम बनाने वाली हूँ। इस पॉपुलर चना नमकीन रेसिपी के लिए चना को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और फिर इसे ऐसे ही नहीं तो कुछ मसालों के साथ चाट बनाकर कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ कप काला चना को अच्छे से साफ करके ओवरनाइट के लिए पानी में भिगोकर रख दिए थे। अगर आप मार्केट जैसी चना जोर गरम चाहते हैं तो देसी चना यूज करें। वो साइज में इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा और कलर में थोड़ा हल्का ब्राउन का होता है। ओवरनाइट पानी में भिगोकर रखने के बाद चना अच्छे से फूल चुका है। अगर आपके पास समय कम है तो इसे कम से कम 6 घंटे के लिए भिगोकर रखें। अब चने को एक कुकर में डालें, साथ में स्वाद अनुसार नमक और 1 कप पानी डालकर मिला दें। अब कुकर को बंद करके 1 सीटी आने तक इसे उबालें। जब कुकर से सारा प्रेशर निकल जाए तब लीड को ध्यान से हटाएं। एक चने को दबाकर चेक कर लें। चना सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन एकदम गलाना नहीं है, तो इसीलिए 1 सीटी से ज्यादा इसे ना उबालें। अब चना को स्ट्रेन कर लें। अब इन बॉइल्ड चना को थोड़ा थोड़ा करके किचन प्लेटफॉर्म पर या बोर्ड पर रख लें और फिर एक पेस्टल से या किसी भी भारी चीज से दबाकर चपटा कर दें। अगर आप देसी चना यूज कर रहे हैं तो चपटा करने के बाद ये साइज में थोड़ा बड़ा दिखता है। आप एक एक को लेकर ऐसा कर सकते हैं जिसमें ज्यादा वक्त लगता है, नहीं तो कुछ चना को एक प्लेटफॉर्म पर फैला दें और फिर किसी प्लेट या ढक्कन से प्रेस करें, जिससे आप ये बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। सभी बॉइल चना को दबाकर चपटा करने के बाद एक प्लेट में फैला दें। अब इसे पूरे 1 दिन के लिए धूप में सुखाएं। आप इसे पूरा 1 दिन और 1 रात पंखे के हवा में रखकर भी सुखा सकते हैं। पूरा 1 दिन इसे धूप में रखने के बाद ये चना अच्छे से सूख चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। चने को डीप फ्राई करने के लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए। मैं चने को एक छलनी में डालकर फ्राई करने वाली हूँ। इससे इसे निकालने में आसानी होती है, पर आप चाहे तो चने को डायरेक्टली तेल में डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। सबसे पहले छलनी को मीडियम गरम तेल में रखें, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके चने को डालें। गैस के फ्लेम को मीडियम रखकर चने को 15 सेकेंड के लिए फ्राई करें। चने को फ्राई करने में बहुत ही कम समय लगता है, इसीलिए छलनी यूज करने से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। वरना अगर आप इसे तेल में डायरेक्टली फ्राई करते हैं तो कभी कभी निकालते वक्त ये जल जाते हैं। फ्राई हो जाने के बाद इसे एक टिश्यू पेपर पर निकालें, जिससे एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। चना जोर गरम के लिए चना बहुत ही क्रंची बना है। चना जोर गरम को फ्राई करके हमने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने बॉईल करते वक्त नमक डाला था, तो इसीलिए आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। पर इसे और चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून सेंधा नमक, आप इसके जगह पर 1 टीस्पून काला नमक भी डाल सकते हैं।
और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को डालकर चना जोर गरम के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। आप इसमें आपके पसंद के कोई भी मसाला को फाइन पाउडर में पीस कर मिला सकते हैं। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर पूरे 1 महीने तक खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रंची चना जोर गरम तैयार है। आप इसे ऐसे ही नहीं तो प्याज टमाटर के साथ चाट बनाकर भी खा सकते हैं। आप इसे जरूर बनाएं और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के बाकी सारे वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू।